बाबू मैं ही कह रहा हूँ। हाँ बाबू। वी ग्रो ओल्डर टुगेदर विद एवरीवन, बट विद फ्रेंड्स वी ग्रो यंगर। ये वीडियो हाईलाइट में डाल रहे ना, कोई ऐसी एम्बैरेसिंग स्टोरी जो आपको अपने आपके फ्रेंड ने कहीं ऐसे सिचुएशन में डाल दिया। ये तो कनिष्क के दोस्त बता सकते हैं, अगर वो मेरे साथ पाद नहीं सकता तो वो मेरा कभी अच्छा दोस्त हो ही नहीं सकता। मैं बचपन में तो बहुत ही रोता था दारू पी के ना, मतलब बहुत ही ज्यादा। बचपन में दारू कहाँ से खरीदता था? कानपुर में तो बैठे हो गए दोस्तों, बिना दोस्तों के भी। तुम्हें क्या लगता है हमारे ग्रुप में से पहले शादी किसकी होगी? सबको पता है कनिष्क। मानो बस एक सिंपल सा आंसर दे, ज्यादा कुछ बिना बताए, ठीक है? एक लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं क्या? तो रोहित ये बता कि हमारे फ्रेंडशिप में ऐसी क्या कमी रह गई कि तू जा रहा है? तो मजा बहुत आ रहा है दोस्तों के साथ, बट आई नो दे वर द रीजन ऑफ माई डाउनफॉल। आई एम नॉट ग्रोइंग विद देम। भोसड़ी के मुंह पे ही बोलेगा क्या? सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। दो बैक टू बैक फील्ड पॉडकास्ट के बाद हम वापस आ चुके हैं अपने दोस्तों के साथ सेम स्टूडियो में जहां से हमने आउट ऑफ सिलेबस की शुरुआत करी थी। अभी राउंड ऑफ अप्लॉज़ फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत बढ़िया, वेलकम बैक गाइस। हमने कुछ नई चीज ट्राई करी बट इट डिडंट वर्क आउट, तो हमने सोचा कि लेट्स डू दिस बैक अगेन। टुडे विद अस वी हैव ऑन माय राइट माय इंटरनेट बेस्ट फ्रेंड फॉर द पास्ट 7 इयर्स, कौस्तुभ विदाउट टू गुलाब जामुन। ऑन माय लेफ्ट साइड वी हैव अ गाय जिसके पेट में टी लीव्स और गर्म पानी घूमते रहता है, हमेशा घूमते रहता है। एंड सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी वी हैव अ गाय जिसने आधे से ज्यादा नोएडा की लड़की को डेट किया हुआ है, रोहित बिश्वास। अ बिग राउंड प्लस। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ताली सर, ताली 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 सर। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, वी टॉक अबाउट फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप। हाँ तो बताओ विश्वास। 2 अगस्त मेरी बहन का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू माय सिस्टर। हैप्पी बर्थडे दीदी। 1 अगस्त को एक्चुअली मेरा एक बहुत ही अच्छे मित्र का बर्थडे है। 1 अगस्त। सेकेंड अगस्त को मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, महात्मा गांधी इज माय फ्रेंड। सेकेंड अक्टूबर को कौन सा गांधी होता है? कौन पैदा हुआ है भाई? इंटेलेक्चुअल गुलाब जामुन चढ़ गया तुमको भी, और खाओ। तुमसे बाबी अभी लग रहा है तुमको बदतमीजी का। लेकिन ये भी है कि अगर अगर आपको आप अगर अच्छे दोस्त हो तो आपके अपने अपने दोस्त का बर्थडे याद होना चाहिए ना। तुम लोगों को याद है अपने भाई फेसबुक? मुझे इसका बर्थडे याद है। तेरा बेस्ट फ्रेंड 23 तारीख है इस महीने की। और बता 23 मार्च तू बता, बता अपने दोस्त का बर्थडे। तेरा क्या है बर्थडे? बेस्ट फ्रेंड कौन है उसका बर्थडे बता। तेरा बेस्ट फ्रेंड है कौन पहले ये बता। मैं याद कर तू तेरी तन्हाई। मैं जानता हूं उसका बेस्ट फ्रेंड। इसका बेस्ट फ्रेंड है सूरज जो उसकी एक पर्सनालिटी थी उसने बनाई थी बचपन में। वो अपने आप से मेरी एक्चुअली स्प्लिट पर्सनालिटी थी भाई बचपन में, मुझे पता है। मेरा दोस्त नहीं था तो मैंने खुद ही एक और पर्सनालिटी बनाई थी और वो मेरा दोस्त था और उसकी पूरी अलग बैक स्टोरी थी। विश्वास ऐसा भी तो हो सकता है कि जो सूरज था वो असली बंदा था, रोहित विश्वास उसने एक पर्सनालिटी बनाई और वही तो आता है कंटिन्यू। इट टुक ओवर ब्रो, दैट्स सम शिट मैन। भाई सही से बता, 3 बीयर पी चुके हो ना तुम? नहीं ब्रो, दैट्स इंटेंस। वेरी नाइस। आई एम नॉट टॉकिंग, आई लाइक इट। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, बता बट आई एम नॉट टॉक। मैं उससे बात कर, मेरी आंख में खराबी आ गई है। ये तो तुम मजाक उड़ा रहे हो, तुम हंस रहे हो। ओह माय गॉड, ये तो ऐसे लड़ रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि लड़ते लड़ते कभी शायद मेकआउट कर लेंगे। हमने किया भी एक्चुअली, काफी इंटेंस होता है। हम लोग एक बार मेकआउट करते वक्त लड़ गए थे। तो सैटी आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? हां विश्वास ये जनरली बताना। मेरी बेस्ट फ्रेंड ऋचा अवस्थी, उसका बर्थडे आता 9 अप्रैल को। ऋचा अवस्थी 29 साल, कितने अमीर। तेरे बेस्ट फ्रेंड मानू नहीं है? हां मानू इज माय कॉलेज बेस्ट फ्रेंड, सो वी हैव बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम ऑल आवर लाइव्स। कम ऑन, एक बेस्ट फ्रेंड देखो, कम ऑन, लेट्स बी रियल गाइस, देयर इज नॉट जस्ट वन बेस्ट फ्रेंड, वी हैव मल्टीपल बेस्ट। अरे ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते बाय द वे। आई एग्री, सही बात है। जो हर किसी को अपना बेस्ट फ्रेंड बोलते रहते हैं उनको आप ट्रस्ट मत करना। आई डोंट हैव बेस्ट फ्रेंड, आई हैव बेस्ट फ्रेंड्स। So, okay, let's start with Kaustubh. तेरा best friend कौन है और कब बना ये बता। मेरा कोई best friend नहीं है यार। मेरे को लगता है सब लोग मेरे अच्छे दोस्त हैं। सब अच्छे दोस्त हैं। मेरा कोई best friend ऐसा कुछ नहीं है। best friend तो होगा। मेरे साथ दिक्कत पता क्या है? मेरे जितने भी अच्छे दोस्त हैं ना, कभी कभी बीच में ऐसे बीटी आ जाती है। मैं सोचता हूँ कि यार क्यों है ये मेरा, ये मुझे मानता है क्यों है बेस्ट फ्रेंड? मतलब मैंने ऐसा किया गया इसके लिए। कई बार ऐसे देखा कि जिनको मैं अच्छा दोस्त मानता हूँ उनके बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं ऑलरेडी, तो मैं उनका अच्छा कैसे दोस्त बन गया? मैं चाहता हूँ कि फिर हम दोनों तो ये जिसको मान रहा था कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है, उसका बेस्ट फ्रेंड कोई और है। हाँ। फ्रेंडशिप में भी फ्रेंड जोन किया तुमने। फ्रेंडशिप में उस फ्रेंड जोन हुआ भी हूं और फ्रेंडशिप में फ्रेंड जोन फ्रेंड करता हूं। बेसिकली देयर इज नो फिल्टर जब आप दोस्त के साथ होते हैं। फिल्टर नहीं, जहां फिल्टर आने लगता है देयर इज नो जजमेंट। एग्जैक्टली, जहां फिल्टर आने लग गए कि यार उसने ऐसा बोल दिया कैसा बोल दिया, वो आपका दोस्ती नहीं है। सही बात है। लेकिन फिर सपोज दोस्त आर आल्सो मेंट टू बी, मतलब पीपल हु करेक्ट यू नो। सो अगर इफ यू आर इनकरेक्ट, इफ आई एम नॉट सेइंग यू आर इनकरेक्ट दैट यू आर, बट इफ यू आर इनकरेक्ट
एंड द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू करेक्ट यू बट देन यू आर लाइक यार ये तो फिल्टर डाल रहा है मेरे पे देन देन हां तो अगर जैसे तरीके से करेक्ट कर रहा है तो वो मेरा दोस्त नहीं है जब तक गाली ना बके तब तक दोस्त एग्जैक्ट तरीके से कर रहा है और लोगों के सामने बिना बेइज्जती डिसरिस्पेक्ट करते हुए अकेले मगर कभी बता रहा है भाई तुमने जो बोला ना मत बोला करो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है ना कि मान के चल रहे हैं यार क्या ही बुरा मानेगा आप बुरा मानेगा इसको मनाना हमें आता है क्योंकि हमारा दोस्त है कहां जाएगा बुरा मान लिया जाएगा बुरा मान जाएगा ठीक है कनिष्ठ तुम बताओ हु इज योर बेस्ट फ्रेंड यार यहीं पे बैठे हैं मेरे दोस्तों आई थिंक रियली मतलब ओके टशर से पहले तेरा कोई बेस्ट फ्रेंड था ही नहीं है मेरे मतलब कॉलेज का ही मेरा फ्रेंड है आलोक इज वो बहुत स्मार्ट आदमी यार वो अभी जेएनयू में फिलॉसफी कर रहा है भाई वो गलत ही आदमी है भाई उसके साथ मतलब मैं उसके साथ बैठता हूँ ना आधे घंटे मेरा दिमाग फ्राई हो जाता है भाई क्योंकि वो 10 मिनट में मेरे को 500 बार से गलत प्रूव कर देता है अच्छा ऐसा कोई दोस्त है तुम्हारा सॉरी ऐसा कोई दोस्त है जिससे तुम्हें आज तक कोई फायदा नहीं हुआ है और वो तुम्हारा दोस्त है और रहेगा तुम कहना क्या चाह रहे हो ये सिर्फ फायदे के लिए दोस्ती करता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है उससे दोस्ती करनी बहुत जरूरी है ऐसा वाला वाइब आ रही है मुझे फ्रेंड्स विदाउट बेनिफिट्स तुमसे क्या फायदा हुआ मुझे मेरा फायदा नहीं हुआ मेरा गुलाब जामुन हर बार खा ले रहे हो तुम्हारा गुलाब जामुन खा रहा हूं लेकिन मतलब वो तो मैं वैसे भी खा सकता हूं लेकिन तुम्हारा गुलाब जामुन थोड़ा खट्टा बन रहा है सब कुछ सेक्सुअल क्यों हो जाता है यार नमक इसका वी डोंट ट्राई टू सेक्सुअलाइज थिंग्स हो जाता है अपने सॉरी यार कॉस्मो और मैं बहुत ज्यादा क्लोज है एक्चुअली मतलब इतनी भी क्लोज दोस्ती नहीं होनी चाहिए बट टू क्लोज दैट्स द सेम या व्हेन यू गाइस फाइट इट्स वेरी क्यूट दो मैं तो एंजॉय करता हूं अरे पहले ना स्टार्टिंग में मेरे को बड़ा बुरा लगता था कॉस्मो अब ना मैं समझ चुका हूं कि हमारा ना यहां तक जाएगा फिर हम चिल कर रहे हैं फिर वहां तक जाएगा फिर चिल कर रहे हैं बेसिकली तुम लोग कंपैटिबल हो गए लाइक अ कपल वी अंडरस्टूड ईच अदर आई थिंक लड़ना बहुत जरूरी है इन चीजों के लिए कुंभ में ये दोनों लड़े थे व्हेन वी गेव देम अ टाइम्स अप ठीक है नहीं बहुत सारे शूट करे जिसमें उनकी प्रॉपर लड़ाई हुई है जहां पे भी ट्रिप पे जाते हैं और ये दोनों साथ में होते हैं ये लड़ते ही लड़ते हैं नहीं मुक्तेश्वर नहीं लड़े हम लोग एक मिनट मुक्तेश्वर में हम लोग मतलब लड़ने ये वाला था मैं नहीं लड़ा मैंने सॉरी बोल दिया था याद है जब मैं तुम्हारा कैमरा लेकर तुम्हें सुबह सुबह मुंह पे चढ़ गया था तुम कह रहे थे मत क्या करो सुबह सुबह मैं अजीब सा गंदा दिखता हूँ तुमने वीडियो को बना दी मेरी क्योंकि तुम सो रहे थे मैं आ गया मैं कैमरा मैंने स्टोरी डाल भी दी मेरी लाइफ समझना देख मेरी लाइफ ये है कि आई एम अ कंटेंट क्रिएटर आई हैव टू मेंटेन माय प्रेजेंटेबल आई हैव टू बी प्रेजेंटेबल वो ठीक है लेकिन यहां पे कोई वीडियो का फुटेज यहां पे ये बाल ऐसे ये क्लोज कैमरे में दिख रहा है लोगों को तेरी मेरी भी कभी ना कभी कुछ हुई होगी मतलब हां बहस तो हुई होगी फॉर श्योर एंड आई एम श्योर इट्स हेल्दी इट्स नॉट लाइक कि मां बहन नहीं कर रहे एक दूसरे का ऐसा नहीं होता एक बार मैंने मां बहन हम दोनों ने तो मां बहन भी कर ली थी एक भाई सही में छोड़ दो वो बात हो चुकी है वो लोगों पता ही होगा एमके से तो हम सब लोग एक दूसरे लड़ चुके हैं क्या एक टैग टीम करते हैं ब्रो मतलब 4-on-4 समथिंग है केज मैच मैं कह रहा हूं इसको साइड करते हैं ये पे पेलते हैं भाई प्रॉपर और वो एमएमए की वीडियो तो चली नहीं है 30,000 व्यूज ब्रो बट मेरे दोस्त से मेरे बेस्ट फ्रेंड से मेरा ऐसा रिलेशनशिप है वो ना अच्छा दोस्त है मेरा मिलता है सही है अचानक से ना 2 महीने गायब हो जाएगा ना फोन उठाएगा ना मैसेज करेगा एंड मैं हमेशा सोचता हूँ आप साले से बात ही नहीं करूंगा मैं कौन है तेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है एक है मेरा हिज नेम इज ऑर्को भट्टाचार्य ऑर्को हाँ बहुत अजीब सा नाम है एक सेकंड ये थिएटर करता था क्या नहीं अरे ये हमारे साथ वहाँ पे भी गया था इसके बर्थडे वाली ट्रिप या है ना अच्छा, जब हम वहाँ गए थे हाँ तभी शायद दिमाग में अच्छा ओके सो उसके साथ मेरा अच्छा रिलेशनशिप बहुत साल से है 2009 से है ठीक है वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स वी शेयर्ड रूम एंड हमारी एक ना ट्रायंगल फ्रेंडशिप थी देयर वाज अनदर गाय प्रशांत ऑर्को एंड मी हम लगा था हम तो जिंदगी भर साथ रहेंगे मतलब जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला सीन था हमारा यूरोप तो जाना है प्रशांत गया फिर प्रशांत गायब हो गया तो आपको कैसा लगा जब प्रशांत गया सही था आई मीन ही वेंट अवे फॉर अ स्टूपिड रीजन एक दिन हम कहीं मिलने वाले थे सीपी में ठीक है सीपी में हम मिलने वाले थे दिल्ली में और उसने टाइम दिया ही वॉज अ वेरी पंक्चुअल गाय नो तो उसने बोला कि ठीक है 11 बजे ऐसे कुछ टाइम था 11 बजे मिलते हैं हम लोग 11 बजे पहुंचे ही नहीं कहीं नहीं एक सेकंड क्यों आप उस दिन गए एज अ प्रैंक तोड़ दी हम गए नहीं उस दिन उसके बाद वो इतना ऑफेंड हो गया उसने हमसे बात ही करना बंद कर दी भाई मैं बता सकता हूँ पता है ऐसा क्यों होता है ये पास्ट ट्रॉमास बेसिकली एकदम से किसका बचपन ऐसे जानबूझ के कटाते हैं ना लोग कटवाते हैं कि मतलब इसके ऐसा प्रैंक कर देते हैं तो वो एकदम से जागृत हो जाता है वो ये नहीं सोचते कि इसकी कोई मजबूरी रही होगी लेकिन वो एकदम से पास्ट ट्रॉमा में चला जाता है में चले जाता ना कि सभी में साथ ये मान लेता हूं कि इन्होंने उसके साथ ऐसे बहुत बार किया हो मजाक मजाक में और उसका वो ब्रेकिंग पॉइंट रीच हो गया हो मैं तो 17 बार करने दूंगा ये 17 बार एंड ही वाज अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हम कॉलेज में तभी हम कॉलेज में इतना सोच ही नहीं सकता आज भी मैं उतना ऑर्गेनाइज नहीं हूं जितना वो कॉलेज में था समझ रहे हैं तो ही वाज वेरी कि हाँ 11 बजे इससे मिलना है 1 बजे उससे मिलना है यू नो वैसा शीट बना के ऐसे ऐसे करता था स्टीव जॉब्स तो नहीं था अपना लाइफ एंड ही वाज अ वेरी इंटेलिजेंट आज वो बहुत अच्छा कर रहा होगा लाइफ आई एम श्योर आई थिंक ही ओन्स अ कंपनी राइट नाउ ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई आई नो ही ओन्स अ कंपनी या मेरे साथ तो ये सीन है मतलब मेरे जितने भी दोस्ती है ना
मेरा यही सीन है कि मैं जब फोन करूँ ना 7 महीने बाद 8 महीने बाद वो मेरे को 10 महीने बाद फोन करे, वो जो वाइब जो उस टाइम पे थी ना, दैट शुड कंटिन्यू। आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ फ्रेंडशिप, दिस फॉर मी इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स द काइंड ऑफ फ्रेंडशिप दैट यू नो वही इंग्लिश इज नॉट इंग्लिश, मरियम वेबस्टर लेफ्ट द चैट। नहीं सही बात है यार। हाँ मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है मेरी भी उससे 6-6 महीने तक बात नहीं होती ब्रो, बट जब भी होती है like we talk like for an hour or 2 hours we tell each other about everything that's been going on and it's so fucking great. ye wo bande jo us din wo muffins aur wo donut wagera leke aayi thi wo sweetie hai, she is another best friend. koi kisi ka aur ka naam chutki hai, ek ka naam hoga rajshree, sweetie supari baba lai sweetie chutki, lekin ha sahi baat kahi, I could relate well with that kyunki zyadatar ek aur do jo english bolta hai na कॉस्ट थोड़ी देर में इंग्लिश में बात करवाए प्लीज यार, कॉस्ट तुमसे बीओ कराने में पड़ गई थी। आई कुड रिले मैं तुझे टाइमर देता हूं 1 मिनट सिर्फ इंग्लिश में बोलना है तुझे। इवन आई हैव फ्रेंड्स हु स्टेज लाइक हु स्टेज फार अवे इन डिफरेंट सिटीज इन डिफरेंट कंट्रीज एंड आई कनेक्ट विद देम लाइक आफ्टर मंथ्स एंड इट फील्स लाइक यू नो वी आर स्टिल कनेक्टेड वेल, डजंट फील लाइक दैट लाइक वी आर लाइक वेरी फार अवे यू नो, it's like we always we are in touch with each other. अरे वो नहीं कर रहा तू बीच में, but that's like very natural, you know that that you know together you know, तो ये कर दो, that is my सबको पता ही है, पता नहीं मैंने पहले किसी पॉडकास्ट में बताया कि नहीं बताया, कॉस्टो वाज माय फर्स्ट फ्रेंड इन ओके टेस्टेड। कॉस्टो तुम सबका अपना अपना फर्स्ट फ्रेंड बताओ, कॉस्टो वाज माय फर्स्ट फ्रेंड, आई डोंट नो हु इज कॉस्टो फर्स्ट फ्रेंड। ये वही बात है भाई, जैसे हां कॉस्टो मेरा भी शायद फर्स्ट फ्रेंड कॉस्टो था, बट तेरा ये था तो तूने मेरे को चीट किया इसके ऊपर। मैं दोनों का दोस्त था, डबल टाइम कर रहा था। ये तेरा फर्स्ट फ्रेंड था या तेरा बेस्ट फ्रेंड था? वर्क बेस्ट फ्रेंड बेसिकली। नहीं बेस्ट फ्रेंड तो बाद में मतलब बेस्ट फ्रेंड बने थे क्या? मेरा एक सवाल है भाई, सॉरी मतलब टू इंटरजेक्ट, बट दोस्ती होती कैसे है? व्हाट इज दैट मोमेंट जब तुम्हें पता चल जाता है, एक एक करके आएंगे, इसने हाथ उठाया फर्स्ट सेकंड सर थर्ड, ठीक है हां। आई थिंक दोस्ती सिर्फ इसी छोटी सी सिंपल सी बात से स्टार्ट होती है कि यू फाइंड द अदर पर्सन कूल। ओके तुम्हें लगता है कि यार ये इंसान कूल है, ठीक है, और मैं अपने आप को तो तुम कूल मानते ही हो, और नहीं भी मानते तुम्हें लगता है कि इस बंदे के साथ मैं भी कूल फील करूंगा। ये तो तेरे अंदर का बच्चा बोल रहा है। बच्चा ही है, दोस्ती स्टार्ट्स विद दैट वेरी बेसिक थिंग। इवन एज एन अडल्ट टुडे इफ आई मीट समबडी एंड आई फाइंड देम कूल इन फ्रॉम टुडेज पर्सपेक्टिव, नो मैटर हाउ ओल्ड आई एम, इफ आई फाइंड देम कूल मतलब कि यार हमारी वाइब अच्छी मैच कर सकती है, दिस गाय अंडरस्टैंड्स मी, आई कैन अंडरस्टैंड दिस पर्सन, वी कैन वाइब टुगेदर, सेम मतलब इंटरेस्ट सेम है, खाने पीने का जरूरी नहीं है, इंटरेस्ट सेम है, ठीक है, जरूरी नहीं हमारा ह्यूमर सेम हो, जरूरी नहीं हमारा लाइक्स डिसलाइक सेम हो, बट हमारी वाइब सिमिलर है, आर टेक टुवर्ड्स लाइफ, यू नो व्हाट वी फील अबाउट लाइफ, हाउ वी यू नो टेक लाइफ एज इन आवर हैंड्स, उस हिसाब से वो, बट उस हिसाब से तो यार हम शुरू शुरू में मुझे याद है जब हम लोग पहली बार मिले थे ऑफिस में, हम लोग बात करते थे, तू मुझे बहुत कूल लगता था, ये अपने ओपिनियंस बताता था, बहुत अलग थे, बहुत अलग थे, हम लोग पूरे टाइम आर्ग्यू करते रहते शुरू शुरू में, हम लोग जानते हम लोग पहली बार मिल रहे हैं लेकिन हम लोग की आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती थी कि नहीं मैं नहीं मानता, तुम ये कहता नहीं मैं भी नहीं मानता, तो ऐसे करते करते हम लोग मानते क्या नहीं थे ये तो बताओ, जैसे अरे जैसे ये कह रहा मैं एथिस्ट, मैंने कहा नहीं यार मैं स्पिरिचुअल, तू ये कह रहा है कौन होते स्पिरिचुअल, मैं नहीं मानता, मैं कहा मैं एथिस्ट में नहीं मानता, ये अपने लॉजिक बता रहा, मैं अपने लॉजिक बढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर वही है कि डिफरेंसेस हैं, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ईगो पे ले ले रहे हैं हम लोग ये चीज, हम लोग एक्सेप्ट कर ले रहे हैं ऐसा, वो बात अलग है। मेरा जो मानना है कि मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ कोई मेरा अच्छा दोस्त, मैं उसको कह सकता हूँ कि ये मेरा अच्छा दोस्त है, वो तब होता है मेरे लिए जब मैं उससे कुछ बातें नहीं कर रहा, मैं उसे कोई बात नहीं कर रहा हूँ, बगल में बैठा है और एकदम शांत फील हो रहा है, एकदम ऐसा नहीं लग रहा है कि यार कोई बैठा है बगल में, कुछ बन के बैठे हैं या फिर कुछ प्रिटेंड कर रहे हैं या फिर कुछ बोर तो नहीं हो रहा, दिमाग में ओवरथिंकिंग नहीं हो रही है, वो बैठे हैं शांत सिट क्वाइटली विद क्वाइटली, यू कैन डू नथिंग विद, वो अपना कर रहा है मैं अपना कर रहा हूं, और अगर कुछ बोलने जाओ उसको पता है कि हाँ ये क्या बोलने में, मतलब होता है ना एक मेंटल लेवल रीच कर रहे हैं कि मैंने अगर इसको बोला कि देख भाई मेरे को क्या लगता है उसके बारे में, उसको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि हाँ ये क्या ही समझेगा, एक होता है ना ऑलरेडी जान रहे दूसरे को, इतना जान गए कि उसकी सारी चीजें माफ है। मेरे हिसाब से अगर किसी के साथ मेरी वाइब मैच कर रही है ना, यू नो देयर इज अ गट फीलिंग, ऐसा कोई मैं कैरेक्टरिस्टिक मैच करने नहीं जाऊंगा कि इससे मैच कर रहा है तो मैं दोस्ती करूंगा, देयर इज अ गट फीलिंग, देयर इज अ वाइब, वो हो जाता है, मतलब इट्स अ मैजिक मेरे साथ, और उसके साथ कितना भी बेशरम हो जाओ। हाँ एक्चुअली मैं मेरा दोस्त मेरे सामने ओपनली फार्ट करता है, मैं करता हूँ तो मैं इतना कंफर्टेबल होना चाहता हूँ, दोस्ती है बिल्कुल सही बात है, मतलब हर सारी गंदगी चीज जो गंदी हरकतें हैं
वो हमारे सामने नाले में लेटना, दीवारें चाटना, स्टफ लाइक दैट. मतलब इसलिए मतलब पुनी सुपरस्टार इज वाइडली एक्सेप्टेड बिकॉज़ वो कुछ भी कर रहा है और लोगों को लगा कि हां मतलब इससे ज्यादा ओपन इंसान कौन कैसे हो सकता है. रियल है भाई पुनी सुपरस्टार. तो जितना वही है रियलिटी इज एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी. हम लोग पता नहीं क्यों बिना बात के प्रिटेंशियस होते जाते हैं आज की डेट में. बट चीजों में तो मैं दोस्ती तोड़ देता कुछ चीजों में. कुछ चीजों में तो देख मैं दोस्ती तोड़ देता. आई हैव सम लिमिट्स. मेरे सामने बंदा अगर कीचड़ में लेटे ला मैं निकल जाऊंगा. आई हैव रिस्पेक्ट फॉर दैट. सॉरी आई हैव रिस्पेक्ट फ्रॉम फार. नहीं नहीं आई रिस्पेक्ट फ्रॉम क्लोज भाई. देखो वही है ना यार मतलब जितना रियल रहोगे उतना ज्यादा एक ट्रस्ट लेवल बिल्डअप होगा. अबे रियल है मतलब सड़क पे बैठ के पॉटी थोड़ी कर देगा कोई. वो तो कंटेंट के लिए कर रहा है. अबे चट्टी यार रुक जा. एक्सेस कॉस्ट तुमने बोला रियल है यही हंगना है. आपके मेरे दोस्त बनोगे मैं रियल हूं और मैं साइड में खड़ा होकर सैल्यूट कर रहा हूं. अरे यार क्या क्या पॉटी कर रहे हो यार. तू बड़े रियल हो यार. गले में कोई ऐसी एंबैरसिंग स्टोरी जो आपको अपने आपके फ्रेंड ने कहीं ऐसा ऐसे सिचुएशन में डाल दिया. ये तो कनिष के दोस्त बता सकते हैं कनिष के बारे में. दैट तो आई नो बाय. हमारी दोस्ती को भी बहुत टाइम हो गया. आई थिंक वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर व्हाट 5-6 years. एब्सोल्युटली. एक्चुअली मैं अपने पार्टनर से ज्यादा मुझे लगता है तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करता हूं. हमने एक्चुअली पता है रियल टाइम में ना हमने पता कितना टाइम स्पेंड कर लिया. कम से कम 2 साल रियल टाइम में स्पेंड कर लिया साथ में. भाई इसी टाइम पे अगर आप हमारी वीडियो चला लो 5 साल पहले की आपको लिटरली डिफरेंस दिखेगा हम सबकी शक्लों में. 5 साल पहले हम कैसे दिखते थे अभी कैसे दिखते हैं. एक्चुअली वी आर ग्रोइंग ओल्डर विद ईच अदर. But everybody grows older with each other, bro. Big brain time. But if everybody is growing, let me make it better with each other. But we are growing older together. Hard together. साथ में. साथ में ये बाबू. मैं ही कह रहा हूँ. हाँ बाबू. बाबू. मैं बाबू बोलता हूँ. आजकल आदत लग गई है. भाई. हाँ. We grow older together with everyone, but with friends, we grow younger. ये वीडियो हाईलाइट में डालना है ना. हाँ ये मोंटाज में जाएगा. समझ नहीं आया घर जाके सोचूंगा कि क्या एक सेकंड यंगर टुगेदर हाउ मतलब क्योंकि विद फ्रेंड्स यू कैन बी यंग बेसिकली. यू कैन यू यू गेट ओल्डर विद एवरीबॉडी एल्स बट विद फ्रेंड्स यू कैन स्टे द सेम एज. मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं although मैं 30 साल का हूँ अभी लेकिन अपने दोस्त के साथ तो मैं 6 साल का बन ही जाता हूँ. ऐसी बातें करता हूँ है ना. ऐसी बातों पे हंसते हो ऐसी हरकतें करते हो जैसे तुम स्कूल में करते थे. अभी 2 हफ्ते पहले ही मैंने एक पार्टी की थी अपने दोस्तों के साथ और उस पार्टी में फिर एक ऐसा सिचुएशन आया जब सब थोड़े ड्रंक थे. फिर जो लोग नहीं पी रहे थे उन्होंने बताया कि सब रो रहे थे. इमोशनल हो गए सब रो रहे थे. सब रो रहे थे. कितने लोग थे वहाँ पे. वहाँ पे कम से कम 6 लोग थे जिसमें से कि शायद 2 नहीं पी रहे थे तो 4 लोग बाकी सब रो रहे थे. तो आपने पी थी तो अब भी रो रहे थे. और किस बात पर रो रहे थे याद नहीं है. मतलब लाइफ की चीजें शेयर कर रहे थे बेसिकली एक दूसरे के साथ. फिर अचानक इमोशनल हो गए. फिर एक से शुरू हुआ फिर दूसरा तीसरा सब रोने लगे. नहीं हम तेरे साथ भाई तो अभी भी रो सकता है. थोड़ा और पी लो. ये थोड़ा सा और पी लो प्लीज. नहीं आई डोंट थिंक वी शुड डू दैट हियर. थोड़ा सा रो दे प्लीज. दारू पी के ना मतलब बहुत ही ज्यादा बचपन में दारू कहाँ से खरीदता था वैसे. नोएडा में ठेके थे यार. अरे बचपन इज लाइक 25-26 समझ गया. लीगल एज के बाद नोएडा के लोग 25 साल के बाद ही तो पीते दारू. आईब्रो पहली दारू कब पी थी तेरे सच बताइए. 18 25 मैंने तो 18 में पी थी सच बता दे. कम ऑन नोबडी की स्टोरी नोबडी इज अरेस्टिंग यू फॉर नोबडी केयर्स. उसकी स्टोरी कंप्लीट करना था. हां नहीं नहीं मैंने भी शायद हां 18-19 में आई थिंक. तो क्या करता मैं. अबे तुम्हारे बचपन में तुमने दो सब दावे. हां तो मैं बहुत रोता था यार मतलब मेरे को बड़ा इमोशन. मैं पीते पीते ना फिर मैं ऐसे दिखता था यार ये कितने अच्छे लोग हैं यार ये मतलब हम कितना सही टाइम स्पेंड कर रहे हैं. फक मैन देयर सो नाइस. और यही एक्चुअली में वो जो लाइन थी यही पल तो याद आएंगे. हिट क्यों मारी ब्रो क्योंकि वो एक्चुअली व्हेन यू आर लिविंग दोस मोमेंट्स. अभी जब तू जा रहा है तो एक्चुअली When anybody leaves, bro, बहुत अजीब सा लगता है कि मतलब a part of you also is मतलब is kind of fuck bro. I completely relate to that office का जो Andy का line है ना. I wish there was a way to know that you are in the good old times. Yes. Before you have actually left them. हाँ bro. जैसे जब जब fuck that line bro. Yeah. Like you never know that you are living in the good old. Continue को मैं आता हूँ अभी. हाँ. Okay. ठीक है. करो करो. I think उसको Andy का line पसंद नहीं है. वो रोने जा रहा है. वो सही में रोने गया bro. कौन सा रो मत यार. कौन से सारा बियर पी गया भाई. I got control guys. मुझे लगा बेंच इज गोइंग गुड. फ्रिज में सुसु करने गया है. गाइस मैं ये पूछ रहा था कि कोई एम्बैरेसिंग स्टोरी ऐसे कि कोई दोस्त ने आपको ऐसे सिचुएशन में डाल दिया कि अरे यार आपको जिंदगी भर याद हो. मुझे याद है एम्बैरेसिंग प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस फाइट्स. हमारा एक दोस्त है
उसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हालांकि मेरे को ले लूं मेरा कुछ उखाड़ भी नहीं सकता वो, लेकिन भाई मैं अच्छा इंसान हूं इसलिए लेना नहीं चाहूंगा। कुछ तो उसने फिर बड़ा किया होगा, नाम नहीं ले रहे। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वी हेट ऑल टुगेदर टू दैट पर्सन, मतलब इतना ज्यादा हेट करते हैं हम सब उसे। उसका हेट क्लब बनाया था तुमने? हेट क्लब उसके मुंह पर बनाते हैं, क्लब बनाने की जरूरत नहीं, उसके मुंह पर बोलते हैं, मतलब और इतना ज्यादा हम लोगों ने हेट फैलाया। मैं तो नहीं हूं, यही है वो बंदा जो है। हम लोग मसूरी गए थे, चार पांच लौंडे थे, हमें होटल भी मिला बड़ी मुश्किल से, वो भी एकदम मसूरी के एकदम टॉप पे जहाँ पे कोई हमें कैब वैब कुछ रिक्शा विक्शा कुछ नहीं मिल रहा था। जैसे तैसे हमें दो कमरे मिल गए, हम लोग डिसाइड कर लिए तीन तीन कमरे में आपस में से बांट लेंगे, सुकून से सो जाएंगे, एक एक गद्दा एक्स्ट्रा नीचे लगा देंगे, हो जाएगी बात खत्म। लेकिन फिर बात हो रही थी गद्दे पे कौन सोएगा, ऊपर बिस्तर पे कौन सोएगा, नीचे गद्दे पे कौन सोएगा। तो हम लोगों ने ऊनो का गेम खेला, चलो ऊनो गेम खेलते हैं, जो जीतेगा वो ऊपर सोएगा, जो जीतेगा ऊपर सोएगा, जो हार गया वो नीचे सोएगा। अब वो बंदा जो हमारा दोस्त है वो सबसे पहले हार गया और हम लोग जुटे पड़े, ऊनो गेम खत्म भी नहीं हो रहा, लगा हुआ वो कह रहा है गाइस मैं थोड़ा सा मुझे नींद आ रही है। मैंने कहा तो अभी रुक जाओ, तो कहता कुछ नहीं मैं उस कमरे में जा रहा हूँ, उस कमरे में लेटा हुआ ठीक है। और वो गया, वो कमरा अंदर से लॉक कर दिया भाई ने, अकेला उस कमरे में वो सोया है और हम चार पांच लौंडे एक कमरे में लत के सोए एक दूसरे के ऊपर। उस दिन के बाद से इतनी हेट फैल गई, और पता है हम लोग उसको गड़बड़ा लात मार रहे हैं तोड़ रहे हैं, पड़ोसी निकल गए वो कहते हैं, दूसरे गेस्ट वेस्ट निकल गए वो कहते हैं कि आप क्या शोर मचा रहे हैं, इसलिए हम लोग खटखटा भी रहे चिल्ला भी रहे, धीरे चिल्ला रहे खोल साले चूती है खोल। हम लोग दूसरे कमरे से झांक के देख रहे हैं मर मर तो नहीं गया अंदर, उसके बगल में फोन पड़ा हुआ है बज रहा है लेकिन वो बेहोश। उसके बाद से इतनी जाटे फायर हुई ना भाई हम लोगों की, जाटे फायर हुई। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लिटरली उसे मारने वाले थे, जब तक आप अपने दोस्त को मारना नहीं चाहते ना तब तक वो आपका अच्छा दोस्त नहीं है भाई। ये तो कुछ अलग है, ये तो पता नहीं, आई डिसएग्री विद दिस बट ओके हां कंटिन्यू। कि मतलब कुछ भी फिल्टर नहीं है ना कि आपको मन मार थोड़ी देगा तो भूलेंगे भाई, मन तो करता है थोड़ी आने का, मन तो करता है कभी-कभी कि मतलब आठ लोग एक बंदे को मिलकर मारेंगे, नहीं मारेंगे नहीं, मतलब ये कर सकते हो ना कि भाई तुम्हें मार देंगे, मतलब वैसे हरकत है, वैसे ऐसी हरकत है कि उसको सुना दो इतना गंदा कि हम तुम्हें मार सकते थे लेकिन तुम दोस्त हो इसलिए छोड़ दे रहे, समझे भाई। मेरे दोस्त ने तो मेरे को मारा था एक बार। कौन सा दोस्त इसी ने ये जो बेस्ट तो नहीं रहा हूँ बट इसमें हमारी गलती थी, सिर्फ छोटे शहरों में होता है बड़े शहरों में नहीं होता है। मैं हर शहर में रहा हूँ भाई, कानपुर भी मार, कानपुर में तो पिटे हो गए दोस्तों बिना दोस्तों के भी, कानपुर में तो ऐसे ही पेल देते लोग। हाँ सटी आप घर वाले इतना मारते थे ना कि दोस्तों को मौका नहीं मिलता। ये बात तो है, तो यार मिडिल क्लास में तो घर वाले ही इतना मारते तो मतलब रिलेशनशिप आपके जितने लगाते थे भाई, रिलेशनशिप की जितनी पर्सनल होगी उतना ज्यादा पिटोगे आप। बट ऐसा कभी हुआ कि घर पे एकदम अच्छे से सुताई होगी फिर तुमने अपने दोस्त को बुलाया कि भाई चल थोड़ा बाहर चलते हैं? हां भाई ऐसा कभी हुआ? हां रोते रोते बाहर गया हूं मैं भाई, मैं दोस्त के साथ बैठा वहीं पे आके पापा ने मारना शुरू कर दिया कि आप बाहर घूम रहे हैं रात के 8 बज रहे हैं। मैं दूसरे ऐसे खड़ा हूं सर पे ऐसे पड़ी दाढ़ और जमीन पे गिरा भाई, मैं मारते मारते घर लेके गया। सेम मैं क्रिकेट खेल रहा था, मेरे पापा उधर से एक डंडा लेके आए। तुम पिटे थे अपने दोस्त से? तो सीन हॉस्टल का था, हम लोग सब हॉस्टल में रहते थे, हॉस्टल में ही दोस्ती हुई थी। मेरा जो दोस्त है उसको पता नहीं क्या सीन है, जब वो सोता है मतलब अगर उसके सामने किसी को गोली भी मार दी ना वो नहीं उठेगा, ऐसा इंसान है वो, कोमा ठीक है। एक बार भाई गोली बम कुछ भी नहीं उठेगा वो, पता नहीं क्यों नहीं उठता, समझ नहीं उठता ये क्या बीमारी है। तो एक बार ऐसे ही वो सो रहा था और सबने हॉस्टल में तो पता ही है सबके दिमाग में खुराफाती होते हैं, तो सबने क्या किया, सबने डिसाइड किया फॉर सम रीजन कि उसके अंडर आर्म्स और उसके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में टूथपेस्ट लगाएंगे। अच्छा मुझे लगा शेव कर दिया, बोलो आर लगाएंगे भाई। नहीं टूथपेस्ट लगा दिया ठीक है, अलग पूरे उसको होल बॉडी में टूथपेस्ट लगा दिया ठीक है, और वो सो रहा है उसको पता नहीं है। अचानक से वो उठा आधे घंटे बाद और सबको मारना चालू कर दिया उसने, सबको जो सामने दिखा प्रॉपर पटापट पटापट मारना चालू कर दिया। हाँ कुछ होते हैं, कुछ होते उठते ही मारने लगते हैं, कुछ बात बिगड़ गई तो सही बात है। नहीं पर सोच रहे थे तुम सो रहे हो, तुम उठे हो तुम्हारे सारे बॉडी पार्ट में टूथपेस्ट लगा हुआ है, मारना चाहते भाई ये तो भाई। उसमें मैं भी पिटा पटाक से मारा उसने मेरे को यहाँ पे, और को भाई रिस्पेक्ट है। यस ग्रेट, बस उसने सॉरी बोला। हाँ उसने बोला सॉरी, मतलब टूथपेस्ट तो काफी सोबर चीज है। हमने तो एक बार क्या किया था, हम अरे तुमने क्या, तुमने भाई जोनल खेलने गए, चुप रहो
चुप रहो ठीक है ना, बहुत सारी चीजें याद आ गई तुम्हारी। मैंने क्या भाई, इसने जो किए ना कांड, हम लोग यार कहते हैं ना, पहले कलीग्स है फिर दोस्त, ये पहले दोस्त है फिर कलीग्स है यार, इसके साथ ये सीख रहे। इसने किसकी आग लगाई थी? तुम्हारी। मुझे भी वही याद है, मैं सो रहा भाई, चूतड़ में आग लगा दी भाई। भाई तू मैं सो रहा हूं बढ़िया, हां इसकी वीडियो है, मेरे को भी दिखा दे। मैं मस्त सो रहा हूं ठीक है, मैं बढ़िया एकदम सो गया हूं, आता है वीडियो बनाता हूं भाई ठीक है। वो जो नहीं होता क्या बोलते हैं वो, शादी का डीओ, हां डीओ लगाया, आ लाइव मेरी चूतड़ जल गई भाई, मैं उठ रहा हूं साले भाई क्या बकचोदी दी है ब्रो फकिंग। उसके बाद इसने भी चड्डी चलाई थी, हां एक बार साले ने चड्डी उतार दी मेरी भाई, वो तो उतार दी, मैं तो वही था, वो तो इसके बर्थडे वाली ट्रिप वही था, मैं वीडियो बना रहा हूं, वो वीडियो प्लीज दिखा सकते हैं भाई, प्लीज अब तो दिखा सकते हैं, बता दो उसके बारे में। हां हां कोई नहीं भाई, ऋषिकेश से हम वापस आ रहे हैं ढाबे का, एकदम बिजी रोड ढाबा है, सब खाना वाना खा रहे हैं, गाड़ियां लगी हुई बसेस, कनेश उधर से चल के आ रहा है, एक ऐसा बोला कि वीडियो बना, गया उसका पैंट उतार दिया भाई, सब देख रहे हैं फोन ढाबे पे। मेरे को फिर भी लग नहीं रहा था कि बहुत बड़ी बात है यार, मतलब अरे इसने एक्चुअली अंदर जो चड्डी पहनी थी ना वो बॉक्सर नहीं, मतलब छोटी सी थी वो, छोटी विशेष फ्रेंचीज भाई, मतलब विशेष, और लगा इसने कुछ पहना नहीं है तेरे को पता, उसके बाद से ही मैंने वो पहनना चालू किया बॉक्सर, साले उसके बाद से चालू किया मैंने, एक सेकंड बॉयज हॉस्टल में पार्थ ने तेरे पैंट उतार दी, तूने चड्डी भी नहीं पहनी हुई थी याद है ना तुझे, वो फोटो फक यू पार्थ भाई, तो सही बॉय हॉस्टल में हम पार्थ को मारा था ना उसने, नहीं ही गॉट वेरी सीरियस, मैं झक गई थी यार, अग्रेसिव हो गया देखा इसका सामान, सामान पीछे से देखा था इसने, बंस देखे थे, बट इस वक्त बंस, बट पार्थ ने भी रियलाइज नहीं किया था कि उतारूंगा और कुछ नहीं होगा समझ, अरे भाई मेरे को मार दो क्या क्या चड्डी वड्डी जो कमांडो भाई घूमते हैं अपने, यू डोंट गेट पेड इनफ ब्रो, सी ऑल दिस भाई, इट वाज बॉयज हॉस्टल फॉर अ रीजन, तो ऑब्वियसली सब नहीं पहन रहे, मेरे को वही लगा भाई कमांडो जाना है अपने लोंडे, क्या पहनना चड्डी वड्डी क्या भाई, मैं तो मेरे को तो भाई कमांडो सही है, बोला सबने एक दूसरे का देखा हुआ है, देखा तूने मेरा तो, एक और स्टेप अगर आप अपने दोस्त का सब कुछ देखा हुआ है तो आपका अच्छा दोस्त है वो भाई, ये बंदे की लिस्ट जो है ना, इस बंदे की जो कॉस्टली लिस्ट है ना, ये दोस्त है इसका फॉलो मत करो, नहीं मर रहे तो आप, अगर 17-18 साल के बच्चे, कॉस्टो इज नॉट अ ग्रेट गाय फॉर इंस्पिरेशन, प्लीज ये चीजें नहीं करनी होती है आपको, अपने दोस्त का नहीं देखना होता, जब आपका दिमाग विकसित हो जाए, जब आप अपने हिसाब से सोच सके हैं, तब आप इसको लेके फिल्टर कर सकते हैं, तो देखा है सामने भाई खुद देख के बैठा हुआ, इधर बैठा था खुद देख के बैठा हुआ दूसरों के अंदर, एक दिन क्या हो शाम हो रही है, हम तूने मेरा क्यों देखा फिर, मैं बता रहा हूँ क्यों देखा, मैं बता रहा हूँ नहीं देखना चाहिए तो, हम निकले थे अभी बता दे, ऐसे कौन बैठता है कॉस्ट बॉक्सर पहन के, सुन तो नहीं साडी बॉक्सर पहन के बैठा है, ये खुला हुआ है स्टूडियो से निकला, समझ गया ना, शाम वाम एकदम बढ़िया आराम से हो रही है, चिलविल कर रहे हैं इधर उधर देख रहे हैं, मैंने देखा कॉस्ट तो बैठा है आराम से बैठने में, इतना बड़ा छेद है मतलब भाई, उसके लिए तो इसने बड़ा कॉन्फिडेंस है, अब इसने दो कच्छे पहने होंगे तो ठीक है, आई वाज गेसिंग इसके अंदर भी कोई पहना, बट देखो कुछ दिख रहा है, फिर कॉस्ट ऐसे करके ऐसे बैठ गया, अब अंदर से ना कुछ निकला और झाग रहा है, साले ये क्या फिर मतलब है यार भाई, ब्रो नो ब्रो नो ब्रो, and then that's the day I got to know Lil Cos. Kaustav wala aur iske pant mein aage hole is a different story. Bhai some hole, it was a crater bhai. Tab se tumhe iske gulab jamun khane ka. Tab se maine soch liya ki main iske gulab jamun nahi chhodunga. Bahut tasty laga. Tab se shit yaar. Lil Cos ka solo origin story of gulab jamun. Yes, that's the true story bhai. भाई मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है ना रिचा बस्ती, उसके साथ बहुत बियर्ड स्टार्ट हुआ था एज एन हमारी दोस्ती का, सो वी स्टार्टेड ऑफ एज एन की 6th क्लास से हम दोस्त हैं ठीक है, तो उसका मेरे पे क्रश था और मेरा किसी और पे क्रश था, हैशटैग प्यार दोस्ती है प्यार दोस्ती है, तो सुनना बियर्ड चीज क्या हुई है, तो मैंने शायद कभी किसी के सामने से ओपनली बोला ही नहीं है, उसका मेरे पे क्रश था ठीक है, तो उसने मेरे को आके बताया, जब उसे पता चला कि मैं मेरा किसी और पे, उसने आके मुझे राखी बांध दी, अगर तुम मेरे सैया नहीं हो सकते तो मेरे भैया बन जाओ, सो दिस इज हाउ इट हैज स्टार्टेड विद अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स, वी डेटेड इट डिडंट वर्क आउट ठीक है, एंड देन वी बिकेम रियली गुड फ्रेंड, आई थिंक डेटिंग योर फ्रेंड इज द बेस्ट थिंग एवर, एब्सोल्युटली, बेसिकली आप जब किसी से दोस्ती करते हो और उसके बाद आप उसके साथ प्यार में आते हो, प्यार होता है आपको, आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग एवर, क्योंकि वो जब कंपैटिबिलिटी बनती है वो बहुत अमेजिंग है, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूं, because you were friends, yes we before. Were friends, yes Now you're not friends, now we are more than friends but now we are such friends ki main agar baitha hu aur hum dono ek hi cheez ko dekh rahe hain, she knows ki main kya soch raha hu, ye bahut acha bhi aur galat bhi psychic hai, kuch zyada hi pata hai, is sala bhi ye soch raha mujhe pata hai, to satyam kya soch raha hu,
बट कुछ लड़कियां ऐसी होती है जिनसे आपको जाती है मतलब एकदम फ्रेंडशिप वाली वाइब आ जाती है कि नहीं ये दोस्त ही बन सकते हैं और जैसे सादिका मानू से तुम सब मिले हो उसके साथ भी मेरा ऐसा ही एकदम पूरा सीन है कि भाई मानू की मैंने शायद कोई भी फ्रेंड नहीं छोड़ी होगी उसकी हर फ्रेंड को डेट किया होगा मैंने बट मानू के साथ कभी हमारा ऐसा सीन था ही नहीं वी आर ऑलवेज जस्ट फ्रेंड्स तो लड़कियों से भी दोस्ती इसलिए करता था ना ताकि उनकी फ्रेंड्स को डेट कर सके है ना उनमें से हो ना तुम तो आप अपने दो फ्रेंड्स को मेरे से डेट कराओ फिर वो दो फ्रेंड्स को पिरामिड्स पिरामिड्स की लेडीज वर्सेस रोहित विश्वास तो रोहित ये बता कि हमारे फ्रेंडशिप में ऐसी क्या कमी रह गई तू कितो जा रहा है सही ग्रेट क्वेश्चन आई लाइक तू हमें क्यों नहीं डेट कर रहे हमें कैसे छोड़ दिया तुमने मैं बोर हो गया हूं सेक्स से तुम लोगों के साथ दोस्तों के साथ बट आई नो देवर द रीजन ऑफ माई डाउनफॉल आई एम नॉट ग्रोइंग विद देम बिकॉज नन ऑफ देम हैड द ग्रोथ वाला मेंटालिटी इवन दो आई वाज हैविंग अ लॉट ऑफ फन बट प्रैक्टिकलिटी में मैं देख रहा था कि यार इट्स नॉट एग्जैक्टली हेल्पिंग मी ग्रो बोलेगा क्या नहीं भाई जितना मैंने यहाँ पे ग्रो करा इतना तो मैंने कहीं लाया हमने जो अभी बोला था कि जजमेंट फेस पे करो वो यहाँ इतना मत करना कैमरा वैमरा हटा दे उसके बाद कर ले तू तो सबके सामने कर रहा नहीं नहीं सही है हाँ दिस आई ऑक्शन जैसे मेरे सोसाइटी के जो फ्रेंड्स हैं ना यार यू अंडरस्टैंड हाँ 100% मेरे जो सोसाइटी के फ्रेंड्स हैं ना आज भी हैं वो मेरे ऐसे वैसे नहीं मेरे 20 साल के दोस्त हैं भाई वो क्यों मैं बचपन में उसी सेम सोसाइटी में रहा हूँ 21 साल एंड मैं बचपन और वो भाई चेहर हरामी भाई लेकिन सही लोन ठीक है और मेरी बचपन से उनके साथ मैं ग्रो किया बट वही यार सबका ना आगे आगे जाके मेंटालिटी थोड़ा चेंज हो जाता है सबका विजन चेंज हो जाता है देन ओवर अ पीरियड टाइम व्हेन यू सिट विद देम और आप बात करो फिर यू रियलाइज दैट दिस पर्सन इज अ टोटली डिफरेंट पर्सन ब्रो जो है बचपन में था वो एकदम ही अलग और तुम्हारा जो माइंड सेट है वो मैच ही नहीं मार रहा इट्स लाइक यू लव देम यू जस्ट डोंट लाइक देम जैसे बचपन में क्या होता है भाई तू बॉल ले मैं बैट ले आऊंगा तू विकेट ले आई हो भाई इतने प्योर होते हैं ना ये सब चीजें मैटर ही नहीं करती सिंपल चीजें होती है बट जब तुम आगे जाते हो तुम्हारा कि पॉलिटिक्स में तुम्हारा अलग चेंज हो जाता है तुम्हारा आइडियोलॉजी दैट इज वेयर माय प्रॉब्लम इज आई थिंक पॉलिटिक्स दोस्ती में फैमिली में प्यार में नहीं आना चाहिए अगर आ रहा है तो ये कहीं कहीं ना कहीं गलत पॉलिटिक्स की बात पॉलिटिक्स नहीं इट्स अबाउट टॉक्सिसिटी आई थिंक टॉक्सिसिटी जब तुम देखते हो कि भाई ये इंसान जब बचपन में इतने प्योर थे टेल मी वन थिंग ये रियलिटी है हम दोनों दोस्त हैं तू मान ले यू आर सम विंग आई एम सम विंग ठीक है राइट लेफ्ट सेंटर कुछ भी मान ले हमारी नहीं बनेगी आई कैन बेट यू मैं वही कह रहा हूं ब्रदर वो पॉलिटिक्स की बात नहीं है अरे नहीं इट इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स का बिल्कुल वो एकदम ऑपोजिट है तो कहां बनती पॉलिटिकल है तो क्या बनती हमारी इतने सालों से दोस्त हैं हम या कहीं ना कहीं वो आ जाता है अरे भाई अब बन गई अब दियो मत सोने की मेरा एक दोस्त है जो 6.5 फुट का है उसको देख के कोई भी मतलब मैं तो हिम्मत नहीं कर सकता कि मैं उससे गुस्सा भी हो सकता हूँ वो दिखता ही है वहां तो इसलिए तूने उससे दोस्ती कर ली नहीं वैसे कभी लड़ाई ना हो जाए नहीं अच्छा चौधरी और साबू नहीं शुरू में हम लोग को बहुत एंटी होती थी हम लोगों की कि वो उसको मुझसे प्रॉब्लम थी शुरू में और वो 6.5 फुट का इंसान जो मुझसे प्रॉब्लम उसको मुझसे प्रॉब्लम है तो पिटाई होती थी तो मैं उसको इग्नोर ही करता था भाई ठीक है ऐसे भिड़ूंगा मैं लेकिन जैसे तैसे आज की डेट में वो मुझसे ये और मतलब हम लोग फिर इतना हम लोगों ने साथ में वाइब किया है कॉलेज के टाइम पे वह बहुत अच्छा दोस्त में रेड्डी की बात कर रेड्डी की बात कर रहा हूँ मैं ना उसका नाम है रविंद्र रेड्डी उसका मुझे याद है बोलना नहीं चाहिए यार लेकिन हम लोगों ने बहुत बड़ा उसका हम लोग ओल्ड मंक जो है जो डेली के बेसिस में ओल्ड मंक और भांगा गोला खा के ओल्ड मंक खत्म करते थे साथ में अरे भाई साहब ठीक है हम लोग इस लेवल पे थे कॉलेज के टाइम पे और ये एमिटी नोएडा की बात है कॉलेज की बात कर रहा है ना और हम लोग का ऐसे डिस्कशन होती थी वो अपना इंटेलेक्ट शेयर कर रहा है मैं अपना इंटेलेक्ट शेयर कर रहा हूँ ओपिनियंस डिफर होते थे भांग और ओल्ड मंक भाई अरे भाई भांग और ओल्ड मंक खा के और फिर उसके बाद इतने
उसके साथ मेरा यह था कि मैं जब हम लोग ने भांग और उड़मंग ले ली तो उसके मत करना है ये सब ठीक है उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने क्या बकचोदी कर दी थी गलत कर दिया था मैंने उसकी कॉलर पकड़ के मैंने उसको धमकी दे दी मैंने कहा क्या कर लेगा वो जो 6.5 फुट का है क्या कर लेगा और वो उसने मेरे को वो आज की डेट में बताता है कि मैं ऐसा हूँ कौस्तुभ भाई कि मैं कोई मेरे सामने मेरे को बस उंगली दिखा दे मैं तोड़ तो दूंगा ही ऑब्वियसली मैंने वो बहुत अग्रेसिव गोपाल उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ ही गोपाल गोपाल उसके गोपाल उसने बोला वो आज की डेट में मुझे कहता है कि कौन सी मूवी गोलमाल गोलमाल उसने बोला कि आज मैंने उस टाइम पे तुम्हारे साथ तो रुक गया क्योंकि मुझे उसको होता है ना एक कनेक्शन फील हुआ कि भाई है मेरा एक तरीके वो नशे में था उसका कोई जगह नहीं थी नशे में था लेकिन आज की डेट में भी हम लोग को जितना भी होता है मैं उसको गुस्से में कुछ भी बोल दूंगा ना वो कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं यार मैं मतलब वो बहुत अपने आप को छोटा मांगता है मतलब छोटे उम्र में मुझसे पता नहीं क्यों एक होता है ना 7 साल से ज्यादा आपकी अगर दोस्ती टिक गई तो वो आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है लाइफ टाइम के लिए फ्रेंड लाइफ टाइम के लिए आई थिंक पार्थ को भी हमारे साथ आके बैठना चाहिए यार यहां पे जगह भी है पार्थ आना पार्थ थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर के लिए आ जा आ देख लेगा पार्थ मेरी आखिरी वीडियो है यार प्लीज आ जा आपके सामने कोई नो फिल्टर के साथ वो आपका पार्थ ने बिना फिलोसफी करी ना मतलब वो फिलोसफर बन चुका है भाई बट तुम्हें लगता है ऐसा कि आफ्टर 25 व्हेन यू आर क्लोजर टू 30 बेसिकली तुम्हें लगता है कि ऐसा मन नहीं करता कि नए दोस्त बनाऊं मेरा मन नहीं करता एक्चुअली कि मैं नई दोस्त बनाऊं ना मेरे अंदर से वो आती है एब्सोल्युटली नॉट आई थिंक वी हैव इनफ फ्रेंड्स जमाना देख लेना जिससे भी मिलता हूं ऐसा लगता है इसको मेरे से कुछ मतलब ही सही बात है कोई मैसेज करता है तो लगता है कि इसको क्या चाहिए मेरे से और सबसे घटिया मुझे पता क्या लगता है जब कोई पुराना इंसान ना बहुत दिनों के बाद फोन करता है और भाई कैसा है और मुझे पता है कि कुछ बोलने वाला है और फिर थोड़ी देर के बाद ना ऐसे 3 मिनट के बाद अच्छा मुझे एक काम याद आ गया अबे भाई सीधा बोलना कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है दैट इज द रियलिटी यार अबे रियलिटी बट एटलीस्ट यार ये मतलब डोंट फेक मोनो भाई You call me, you tell me the work. If I can do it, I'll do it. If I can't do it, I won't do it. Yeah. That simple as that, no? Some of my friends, naam nahi lunga, chodo. Naam lena bhi nahi chahiye. Orko. Mujhe yaad bhi nahi uska naam. Nahi, nahi, orko nahi. Orko. So they are also one few creators on Instagram. Oh. Kabhi baat nahi unse. Achanak ek din message karte hain. When I reach 50K on Instagram. Ki haan bhai, congratulations. Aur mujhe shout out de dega. What? Kyon? Weird है। तुमने कभी ये पूछा कि मैं कैसा हूँ? सर्टी कितने दर्द से निकली है भाई। सर्टी हम पूछ कैसे हो यार? मैं ठीक हूँ भाई। सब सही चल रहा है। पर मैं कह रहा हूँ। Everybody asks where are you? Nobody asks how are you? Yeah. मेरे को तो बताने का मन नहीं करता। क्या करने का? पूछता है ना कि how are you? तो सच में बताने लगता हूँ। हाँ तो सुन यार सुन यार इतना लोन चल रहा मेरे ऊपर वो अपने मुंह से बनाया था यार एक्चुअली काम था भाई मेरे मेरे को नहीं भाई मेरे को बता देते तू मेरा अच्छा दोस्त है इतने दिनों बाद तू आया है मैं तेरे को बताऊंगा पूरी बात सही बात है भाई आपसे कोई पूछा हाउ आर यू तो पूरा पॉडकास्ट बिठा लो अपने बेस्ट फ्रेंड को बिल्कुल नहीं करूंगा वो सारा नहीं उठाएगा और वो 3 दिन तक मेरा कॉल बैक भी नहीं करेगा मुझे पता है मैं उसको नहीं करूंगा मतलब हाँ बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त होते हैं ना वो फोन भी नहीं उठाएंगे नहीं उठाता भाई नीरज इज अ ट्रस्टवर्दी गाय नीरज को हाँ बट वो सो भी रहा होता है आई थिंक आई कैन कॉल साधिका अगर तुम में से कोई फोन ना उठाए तो हाँ साधिका सही है लेकिन अगर लड़ाई होगी तो साधिका क्या आई कैन कॉल अमित आई थिंक अमित मालविया 3 AM हिल पिक फॉर श्योर हिल बी देयर इज योर फर्स्ट फ्रेंड इन स्कूप नो या अमित इज माय फर्स्ट नो डैम अमित इज आर एडिटर जो ये वीडियो यार कोई ऐसी बात है जो आपको मतलब ऐसा लगता है फ्रेंडशिप में ये चीज नहीं होनी चाहिए या जैसे अभी मैं तुम्हारे साथ उसमें डिसएग्री करता हूँ जैसे अभी इसने बोला ना कि वो लड़ाई वड़ाई मुझे लगता है कि कितनी भी बहस हो जाए ना हाथापाई पे नहीं आनी चाहिए बात ब्रो आई हाईली मतलब दैट इज अ नो फॉर मी ब्रो If it goes to Hathabhai, it's off for me. पर तू मेरे को धक्का मार दिया। साधिका को हमने लिटा दिया था ज़मीन पे। भाई साधिका ने क्या मारा था? उसके बाद उसने हमारा खून निकाल दिया था भाई। मेरे और इसका। मारे ना उसने भाई। ठंड भी भाई। That was fine.
ठंड थी पूरी, साधिका सो रही है कंबल के अंदर, उसको उठा के नीचे नाले के पास लिटा दिया ब्रो, मतलब उसके रूम में ऐसा कुछ सीन था एकदम ठंडे में, एंड साधिका ने बहुत मारा उसको, उठ के बहुत मारा। तो तुम्हें बुरा मान जाना चाहिए था एक दूसरे को देख रहे हो यार ये बंदा मेरा दोस्त है अभी वो गुस्से में, चल ठीक है आई विल काम माय सेल्फ, या फिर मैं अगर गुस्से में तो दैट पर्सन शुड काम देमसेल्व्स। नहीं लेकिन अगर कोई जोर, कोई अगर कोई अगर जोर से ऐसे करते ना बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है ब्रो, मुझे उस पे भी मार दो ब्रो। हां ये भी, आई कांट टेक हियर ब्रो, यू बीट मी एनीवेयर, यू फकिंग डू दिस लाइक इन योर अर्ली 20s आई बिलीव इज व्हाट यू कैन डू द क्रेजीएस्ट स्टूपिडेस्ट शिट विद। हां ठीक है, दैट काइंड ऑफ फ्रेंड्स इज योर आइडियल फ्रेंड्स, ठीक है, हु लेट यू बी क्रेजी। एंड अभी आई थिंक इन बोला था अंडरस्टैंडिंग यार, अंडरस्टैंडिंग इस टाइम पे मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी, मतलब द अदर पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग माय सीन, I am understanding the other person scene. That is like top priority for me. Yeah. Mutual respect and like understanding. Ideal friendship वही यार understanding और mutual respect, मुझे लगता है कि mutual respect होता ही है। आप भी इस age में आ गए हैं तो mutual respect है कि भाई इतना तो बंदे को मैं respect करता हूँ, तभी वो अगर respect नहीं करता तो ज़िंदगी में नहीं होगा तुम्हारी। इतना तो I think। या मेरी friendship तो मेरे circle में बहुत change हो गई है क्योंकि सबकी मतलब 10। आप कह रहे थे आपका circle नहीं है? मतलब सर्कल आज छोटा सर्कल आर्क लाइट आर्को का आर्क क्योंकि सबकी शादियां हो गई है, सबके बच्चे हो गए हैं यार, उससे बहुत फर्क पड़ता है ना, बहुत that changes a lot of things and even if you sit together things are about the about kids क्योंकि सब बच्चे खेल रहे हैं वहां पे। भाई वी नीड टू टॉक अबाउट दिस मैन, मेरी भी आधी से ज्यादा दोस्तों की शादी हो गई ब्रो, मेरे भाई मेरे दोस्त का बच्चा हो गया, मेरी हिम्मत नहीं हो रही उससे मिलने की। क्यों भाई? उसने बुलाया वकायदा कार्ड हुआ कि भाई बेबी शॉप, मैंने कहा भाई मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा, मेरी हिम्मत नहीं हो रही, पता नहीं क्यों, मैं अपने बारे में डिस्कवर कर रहा हूँ, मैं फेस नहीं कर सकता वो सिचुएशन। नो दिस इज सोनू की टीटू की स्वीटी इफेक्ट। नहीं ब्रो, तुम्हारा दोस्त अब तुम्हें उतना टाइम नहीं देगा, तुम्हारा दोस्त की शादी हो गई है, तुम्हारा दोस्त कमिटमेंट कहीं और दे रहा है। सेम ब्रो, भाई मेरा एक 25 साल पुराना दोस्त है, फर्स्ट क्लास से मैं उसका दोस्त हूँ, लिटरली फर्स्ट क्लास से जानता हूँ मैं उसे, उसकी अभी शादी हुई लास्ट टू लास्ट ईयर, अभी उसका बच्चा भी है। अभी जब यूजली हम क्या करते थे, मैं गाड़ी लेके जाता था उसके घर के बाहर, नोएडा में रहता आज भी, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से वी एंडेड अप इन द सेम सिटी आफ्टर ट्रैवलिंग द एंटायर कंट्री, ठीक है, हम लोग सेम सिटी में नोएडा में ही है। अभी मैं जाता हूँ उसके नीचे, गाड़ी लगाता हूँ घर के बाहर, वो बोलता आजा नीचे आजा, वो आता है फिर कहता अभी चलना ऊपर चल घर पे बैठते हैं। मैंने क्यों बे, हम ऐसे ही तो करते थे, कह रहे भाई अभी चीजें चेंज हो गई है, मेरी घर पे बीवी है, मेरे घर पे बच्चा है, आई कांट जस्ट हैंग आउट लाइक आई एम अ सिंगल डूड, या हिज प्रायोरिटी हैज चेंज्ड, प्रायोरिटी हैज चेंज्ड, कहते हैं तू आ मेरी बीवी भी है, हम तीनों साथ में हैंग आउट करेंगे, ठीक है। मैंने कहा भाई यार ऐसे कैसे, ये थोड़ा वियर्ड है, पता है ये कब, ये 28 से लेके 34 35 तक का जो सीन है ना, ये बहुत इंटेंस है ब्रो, क्योंकि एक्चुअली ये मैंने भी देखा है भाई, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू ग्रो अप जस्ट बिकॉज़ माय फ्रेंड्स ग्रो अप बिकॉज़ ऑफ देयर मैरिज रिलेशनशिप्स एंड ऑल दैट, आई एम स्टिल लाइक दैट गाय हु इज फ्रॉम कॉलेज सिंगल। तू डीजे है भाई? मैं डीजे ही रहना चाहता हूं, नहीं सही है डीजे, बट वन डे व्हेन ऑल माय फ्रेंड्स आर मैरिड एंड हैव किड्स देयर विल आई गो, यू विल गो टू देयर प्लेसेस ब्रो एनी टाइम, उनके बच्चों को बिगाड़ना। मैं तो अब अपने कुछ फ्रेंड्स से उनके बच्चों से मिलने जाता हूं ज्यादा, वो ज्यादा मौसा जी बुलाता है, हाँ एक तो मौसा जी बुलाता है भाई, क्या बुलाता है, चिटप्पा बुलाता है, ही इज मलयाली, चिटप्पा इज मौसा जी इन मलयाली। ओह डैम, तुम्हें क्या लगता है हमारे ग्रुप में से पहले शादी किसकी होगी? अरे सबको पता है, मुझे लगता है सबको पता है कनिष्क, मैं यही कर रहा हूँ, मेरे चांसेस हैं भाई। हाँ कनिष्क गाइस टू मंथ्स जब तक ये वीडियो जाए शायद कनिष्क की शादी हो चुकी हो, व्हाट ये भी हो सकता है, आई एम नॉट इवन किडिंग, कनिष्क कैन गेट मैरिड टुमारो, आई वोंट बी सरप्राइज्ड एक्चुअली। या followed by Sati, हाँ बिल्कुल भाई, then brother Kaus, brother Kaus, yes, अच्छा इनको तो अभी visa नहीं मिला है sir, visa की ज़रूरत नहीं शादी करने के लिए, I'll always be that cool uncle who's always single, then you will hopefully part join me, someday I'll tell you something, I'll tell you Biswas's trajectory भाई, ठीक है, he is playing this character, you are I'll always be single, someday he is in the mountains and then he's eating noodles and he's like yo contemplating okay photography and he's like wow what a woman and then they meet and then they get married in a month that's what is going to happen mereko lag raha hai ki and then you'll understand mereko lag raha hai then you'll understand this life man mereko lag raha hai Biswas ki hum teenon se pehle ho jayegi that's a fucking possibility nahi I think friendship or love aise situation mein aata jab least expect kar rahe ho
अच्छा ओके गाइस एक सेकंड, मैंने आप सबके लिए एक सेगमेंट तैयार किया था, प्लीज इसको फॉलो करें। ओके एक सेकंड, आपके अबे यार, अरे मैंने भी तैयार किया था, भूल गया ना, पॉइंट होता है। एक सेकंड एक सेकंड, एक बार नोट कर लो प्लीज, कर लेंगे एक बार, कर लो। Oh my God! This question is for you, sir. ये सब मुझे नहीं पता था। This question is for you. आपको एक दूसरे को question नहीं दिखाना है और अपने answer लिखने हैं अगले दो मिनट के अंदर। अबे ये बोल देंगे लिखने क्या जरूरत है? नहीं आपको लिखना है please. लिखना पसंद नहीं है। तो लिख दे comment पे। क्या please editor Kaustubh को blur कर सकते हैं थोड़ा? Type कर सकता हूँ मैं। दोस्ती में ना। Please विश्वास go ahead. Yes. अरे ये देखो भैंचो IIT graduate. अबे कितने वर्ड्स में लिखना है, इधर लिखे जा रहा है भाई। 5 5 मार्क का क्वेश्चन है ब्रो, एक सेकंड मैं 5 मार्क्स का है भाई, मैं तो उस हिसाब से लिख दे। हां लिख लिख, सटी गो अहेड भाई, बोल दो ना ये तो। नहीं नहीं, क्वेश्चन हमने इन तीनों से पूछा था कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू 5 मार्क का क्वेश्चन है, यू हैव टू एक्सप्लेन योरसेल्फ। पहले इन्होंने कंप्लीट किया तो सर यू हैव टू रीड इट आउट। सेम क्वेश्चन था हमारा, सेम क्वेश्चन था, सॉरी। यस देखो मैंने ओम भी बनाया, ओम बनाया 100% 2 मार्क्स और ओम। ये बहुत भाई है, बहुत जरूरी है। मैं कहां पहुंच गया तो मैं सारे रिलीजन का बना देता हूं। ए ज्यादा पी ली क्या तुम लोगों ने? सर प्लीज रीड आउट योर आंसर सर। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू एक्सप्लेन व्हाई। आंसर क्योंकि ये सब फॉर्मेलिटीज है एंड दोस्ती का मतलब यही है कि फॉर्मेलिटीज ना करनी पड़े। ठीक है, ये चीजें बोली नहीं जाती है, बस महसूस करी जाती है। जय हिंद। सो यू गेट 4.9 सो 4.9 out of 5 क्या कर लेंगे लिखा है। आई थिंक दोस्ती में सॉरी और थैंक यू दोनों की ही जरूरत है। ये डायलॉग फिल्म में भाग्यश्री जी पे बहुत प्यारा लग रहा था बट प्रैक्टिकल नहीं है। वी नीड टू से सॉरी टू आवर फ्रेंड समटाइम एंड थैंक यू आल्सो। 3.6 सो या नॉट दैट गुड, आई मीन हिज आंसर वाज बेटर, वाज 3.6। ठीक है, फॉर ग्रेस यू वांट टू राइट ओम, आई विल गिव यू वन। ठीक है मेरे गाइस, 3.69 ओके, यू गेट 3.69 आउट ऑफ 5। वेरी गुड। मैं बहुत ही गलत इंसान हूं, मतलब मैं मानता हूं कि दोस्ती में मैं अपने दोस्तों को सॉरी घंटा नहीं बोलूंगा, और मैं बोलूंगा उखाड़ लो जो पढ़ना है, तो तेरे को बुरा लगा उखाड़ ले जो करना है। इन्हीं टॉक्सिक दोस्तों की दोस्ती की हम बात करते हैं जिससे हमें ग्रो करके और दोस्त जब तक दोस्ती टॉक्सिक नहीं है तब तक आपका दोस्त नहीं है वो। आप अगर ये बोल रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कि आई एम नॉट गोइंग टू वॉच ओके टेस्ट बिकॉज़ विश्वास इज लीविंग, द रीजन इज Kaustubh, अंडरस्टैंड प्लीज, प्लीज फक ऑफ विश्वास, फक ऑफ बिकवा। हां विश्वास, बट ऑन अ सीरियस नोट भाई, हाउ डू यू फील? ऐसा रीजन नहीं है, सीरियस नोट दो पहले। हां सी, ऑन अ सीरियस नोट हाउ डू यू फील? सीरियस नोट दो पहले 100 रुपए। ये रहे भाई सीरियस नोट दो उसे। नहीं ये रीजन नहीं है कि Kaustubh ऐसे जा रहा हूं मैं, रीजन एक्चुअली कनिष्क है। नहीं नहीं बट सही है, इट्स बेटर, इट्स अ फकिंग एंड ऑफ एन एरा ब्रो, आई डोंट नो व्हाट टू से मैन, इट्स जस्ट सो वियर्ड। पता नहीं, I can't like cry right now, but you can. You sat his friends cried, bro. Can I say something for real? Yes, bro. Because we are in a circle. Come on, you are in a safer space. भाई, we are in a semicircle. We are in a semicircle, like Sati's friendship. I cried day before yesterday, पता है? Like how? Like how? Like actually. Tears. Just thinking about what this place gave me. साला मैंने imagine कर रखा था, क्या पता विश्वास रोज आए। ये कहीं और मिल ही नहीं सकता, किसी और रोल में, किसी और जॉब में, जितना भी पैसा मिल जाए, बट ये जो चीजें जो मेमोरीज मिली है, पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्युटली, प्रोबब्ली दैट्स वन ऑफ द रीजंस आई एम गोइंग, बिकॉज़ ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी है, रुपा इंपॉर्टेंट है। बट भाई इफ आई कुड डू दिस फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ आई विल चूज दिस ओवर एनीथिंग एल्स। अच्छा यार वी विल मिस यू भाई, मतलब यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, यू हैव डन अ फकिंग ग्रेट जॉब भाई, 5 साल में तूने, अबे मेरी बॉडी होती है ना तो बहुत मारता भाई यार, रुक जा कोर्स कंप्लीट करने दे भाई बंदे को, थॉट अपनी यार, कुछ और बचा है फ्रेंडशिप एंगल में बात करने के लिए। यस लड़के और लड़की की दोस्ती के बारे में बात करिए। हां ये कर सकते हैं, लेकिन यहां पे लड़की है नॉट टच, यार मेरे को ना उसके लिए एक लड़की होना, मेरे को एक चीज यहां पे, कैन वी वीडियो कॉल और कैन वी कॉल समवन हु इज लाइक हु कैन आंसर आवर, जैसे मानू, कैन यू कॉल मानू? नो, उससे पूछ सकते हैं, लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं क्या? मानू से पूछना
लड़का लड़की ओके एनी लेडी फ्रेंड फ्रेंड यो यो मानु खा लिया यार मेरे तो खाता ही नहीं है इसके लिए दिस इज मानु माय बेस्ट फ्रेंड इफ यू कैन सी आई डोंट नो मानु बस एक सिंपल सा आंसर दे ज्यादा कुछ बिना बताए ठीक है एक लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं क्या वर्किंग डे बिजनेस डेज बीच में संडे संडे स्किप कर दी बिजनेस डेज चाहिए से आंसर देने के लिए चलो ठीक है यहीं पे आंसर मिल गया हमको ठीक है आंसर मिल गया हमें ठीक है हाय मानू बाय मानू यार बहुत दिन हो गए यार मिले नहीं हम लोग मिलते हैं और मानू कैसे वो भी रीजन है नहीं मिले बहुत दिन हो गए ये नहीं मिलना चाहती इधर से बॉस दैट्स द रीजन Damn, bro. Okay. तो मानो तो speechless हो गए इस question पे. क्या लड़के लड़के के बीच में ज़्यादा अच्छी दोस्ती है या लड़की लड़की के बीच? ये great question. लड़के लड़के के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है. 100%. I think so. 100. Comment section में आप हमें ये बताइए कि लड़का लड़की best friendship है कि लड़की. I think लड़कियाँ खुद agree करती है भाई इस बात से कि लड़के लड़कों के बीच में ज़्यादा अच्छी दोस्ती. लड़के जानते हैं. मैं तो यार जो pronouns अपने वैसे she him वाले रखते हैं ना मैं उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती करता हूँ. She him. पार्थ मेरा दोस्त शी हिम है क्या हो गया भाई पार्थ इज माय बेस्ट फ्रेंड हां ये कुछ अलग है शी हिम माय आई एम ट्रांसपेरेंट माय प्रोनाउंस आर हू वेयर ट्रांसपेरेंट दिख शट अप यार तुम्हारा प्रोनाउंस दिख क्यों नहीं रहा अगर ट्रांसपेरेंट होता हम बात कर रहे थे कि लड़के लड़के की अच्छी फ्रेंडशिप होती है कि लड़की लड़की की मेरे हिसाब से सर माय लॉर्ड मैं ये बोलना चाहता हूं पेन नीचे रख के कि लड़के लड़कों की जो फ्रेंडशिप होती है सर वो बहुत ही क्रेजी होती है कि वो बहुत लंबे समय तक चलती है और बहुत ही ज्यादा रियल होती है सर लड़की लड़की आपके आप लड़की लड़की की बहुत अच्छी होती है काम कर रहा एक एक लड़की को नहीं आप बिठा दीजिए कनिष्क जस्ट रिवाइंड 10 सेकंड तू क्या कह रहा था लड़के लड़के की फ्रेंडशिप आई डिसएग्री सर मेरे हिसाब से लड़की लड़की की फ्रेंडशिप बहुत सही होती है लड़के लड़के चूतिया होते हैं लड़की लड़की की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होती है आई थिंक अगर लड़के ज्यादा टाइम तक सिर्फ लड़कों के साथ रहना वो मर सकते हैं नहीं है लड़कियां मोबाइल आती है ये है दुनिया मेरे लाइफ के आसपास मैंने जितनी देखी ना फ्रेंडशिप लड़की लड़की की भी वेरी स्ट्रॉन्ग भाई लड़की लड़की यस क्योंकि बचपन से मैच्योर होते हैं यार ऐसा लगता है लड़कियां तो पैदा मैच्योर होती हैं भाई सही बात है वो टूट गई थी ना क्योंकि टूट गई टूट के मैच्योर हो गई यार बहुत सही दवा है पांच साल में बेस्ट हो गए थे भाई हंड्रेड हैंड्स डाउन टूट के मैच्योर हो गई फक यस लव इट आर देयर फ्रेंडशिप फिल्म्स एनी फिल्म मतलब भाई दिल चाहता है आई थिंक वाज द बेस्ट फिल्म अबाउट फ्रेंडशिप Not even ये जवानी है दीवानी ये जवानी है दीवानी में सॉरी नॉट ये जवानी जिंदगी ना मिले तूने दिल चाहता ही नहीं देखी है आपने दिल चाहता नहीं देखी सैटी आपके लाइफ में एक ऐसी क्लासिक फिल्म होती है जो आप नहीं देख पाते सो माय लाइफ का दिल चाहता है ओह माय गॉड बट आई वाज जिंदगी ना मिलेगी दोबारा आई वाज जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मोर देन फ्रेंडशिप इट वाज अबाउट कमिंग टू लाइफ एंड कमिंग टू रियलाइजेशन भाई अगर दिल चाहता देख ली होती ना विद योर फ्रेंड्स फॉर श्योर बट दोस्ती वाला जो एंगल है ना वो दिल चाहता है से बेटर किसी मूवी ने नहीं दर्शाया मैं जनरली बताऊं वेरी सीरियसली आई थिंक टाइटैनिक में दोस्ती बहुत सही थी भाई मेरे को तो लगता है बिटवीन द शिप एंड द आइसबर्ग नहीं मेरे को तो लगता है बॉर्डर मूवी जब तक नहीं देखी तब तक दोस्ती का पता नहीं है मुझे कोई बता सकता सब्जेक्टिव होता क्या है सब्जेक्टिव एज इन तेरे लिए अलग है इसके लिए अलग है मेरे लिए अलग है उसके लिए अलग ऑब्जेक्टिव मतलब एक ही होगा आंसर अच्छा ओके 1+1=2 यस फ्रेंडशिप बैंड मानते थे ना बचपन में यस ग्रेट क्वेश्चन फ्रेंडशिप डे में एक ही चीज करते थे फ्रेंडशिप बैंड बांधते थे एक वो भी फ्लेक्स होता था ना स्कूल के टाइम में किसके पास कितनी ज्यादा है ये सेम रक्षाबंधन के टाइम पे भी होता था कितनी ज्यादा एक दो दोस्त को बोलता भाई तीन चार बांधते भाई अलग अलग सेम बांधते जो बेस्ट फ्रेंड है उसके लिए अलग से तुम लेके आओगे एक दो फक बैंड्स भी होते थे ब्रो उसने तेरा वो बैंड तोड़ दिया भाई वो तेरा फक करना चाहता मैं कॉलेज में था उस टाइम हमारे शहर तक फक बैंड नहीं पहुंचा भाई तुम नोएडा में पले बड़े हो ना नोएडा में पले बड़े हो ना वही होता हो ये सब चीजें क्या जज कर रहे हैं हमारे यहाँ तो रक्षाबंधन भाई मेरे पास तो सही में इतनी पॉकेट मनी नहीं थी कि मैं फ्रेंडशिप बैंड खरीद सकूं अगर पापा से बोलता पैसे तो फ्रेंडशिप बैंड खरीद झापड़ देते मेरे को अलग ओ भाई साले
यार मेरे को लगता है कि एक एक सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा सच में, कि दोस्ती तोड़ते कैसे हो और अगर दोस्ती टूट गई तो उसको जोड़ते कैसे हो। फ्रेंडशिप में तुम्हें कुछ बहुत ही ज्यादा ही गंदा करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके फ्रेंडशिप टूट सकती है मेरे ख्याल से। भाई जा रहा देता मुझे को 10 लाख दे देगा, मैं दोस्ती तोड़ सकता हूँ से। तो अगर आप चाहते हो मेरे को दोस्ती तोड़ दे तो तेरे को 5 लाख दे दूंगा। तुम दोनों नहीं हो मेरे ख्याल से दोस्त। तुम जो ये जो इन्होंने ढोंगपन कर रखा है ना, घिनौना जो ढोंगपना कर रखा है तुम दोनों। तो कह रहा था कि मैं चाहता हम लोग मेकआउट करें, वो तो मैं चाहता हूँ रिगार्डलेस ऑफ तुम्हारी दोस्ती। ड्यूअल तुम्हारा ओपिनियंस आ रहा है, दोनों अलग चीज है। सुनो बहुत सेटल्ड, बट मैं कह रहा हूँ कि ओके टेस्टेड समझो कभी हुआ ही नहीं, इट नेवर हैपेंड। वुड यू बी फ्रेंड्स? गुड क्वेश्चन। आई वुड बी फ्रेंड्स अरे अपने बहुत सही टाइम स्पेंड किया साथ में, मतलब मेरे को सही लगता बंदा। मैं इसकी बहुत सारी चीजों से डिसएग्री करता हूं, रिस्पेक्ट तभी तो, और डिसरिस्पेक्टफुली भी, मगर ही स्टिल माय फ्रेंड भाई। नहीं ऑन अ सीरियस नोट, जब मेरी मम्मी का वो हुआ था डेथ, तब मैं कौसुब कैंप गया था ब्रो, मतलब 15-14-13 दिन हम साथ में ही थे, और बहुत ऐसे मोमेंट आए थे जब ये कौसुब जो बात बोल रहा था कि हम बात नहीं कर रहे, ना ये बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ, बट ही अंडरस्टूड माई स्पेस एंड मेरे को तो स्पेस ही नहीं था अंडरस्टूड करने का। अगर आप अपने दोस्तों का ये चार्ट नहीं रहे तो नशे में आदमी कुछ भी कर देता। सॉरी दोस्तों, सैंडल सोप बताया, सैंडल सोप। वन लास्ट क्वेश्चन फॉर मी, ऐसा एक फ्रेंड है जिसके साथ आपकी दोस्ती टूट गई है और आपको लगता है कि मतलब यू नो दोस्ती पैचअप होना चाहिए बट नहीं हो पा रही है। यार मैं मतलब मैं बहुत पैचअप करना चाहता हूँ, मतलब अच्छे फ्रेंडशिप्स मेरे थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े हो गए, विश्वास, नीरज, आई थिंक कॉस। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जो थी वो भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी यार, उसने बात ही करना एकदम पूरी बंद कर दी यार। इट्स लाइक वेरी सैड ब्रो, इट्स लाइक आई हेट दिस फैक्ट दैट यू वर स्ट्रेंजर्स, देन यू कम सो क्लोज एंड देन यू बिकम स्ट्रेंजर्स अगेन। यू हैव वन लाइफ टाइम मैन, व्हाई बी स्ट्रेंजर्स अगेन? इफ अ पर्सन डाइज दैट्स ओके, आई मीन दैट्स नॉट ओके, बट दैट पर्सन डाइज, बट दैट्स अंडरस्टैंडेबल। व्हाट इफ द पर्सन इज देयर ऑन अर्थ एंड देयर नॉट विद यू? दैट्स लाइक या बी इन टच मैन, डोंट कट ऑफ पीपल लाइक दैट, इट्स अ शॉर्ट लाइफ। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने अपने आप के लिए पूछा था, क्योंकि मैंने कुछ दोस्तों को ऐसा गोस्ट, दैट इज लाइक मुझसे कोई पूछ ले तो मैं खुद नहीं, दिस इज योर टाइम। मैंने एक्चुअली कुछ दोस्तों को गोस्ट किया है जिनके साथ मेरा मन नहीं था अब इंटरेक्ट करने का या फ्रेंडशिप रखने का, फॉर फ्यू रीजंस। कुछ दोस्तों को मैंने कॉलेज से अपने जैसा गोस्ट कर रखा है कि नहीं अब तुमसे बात नहीं करनी मुझे, मैं अवॉइड करता हूं, बट आई थिंक दैट आई शुड चेंज। ऐसा तूने बोला उन्हें? मैं रिप्लाई नहीं करता उनको, गोस्ट। या स्कूल के बाद आपने कभी भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे या कॉलेज के बाद हैप्पी फ्रेंडशिप डे किसी को विश नहीं किया होगा? या बिकॉज़ यूजुअली व्हेन वी ग्रो ओल्डर वी डोंट डू दीस थिंग्स। I think this is the best day to do it. So do it right now. After this video. मैं तो कह रहा हूँ कि friendship day आप अपने boss से बहुत अच्छी दोस्ती कर लो। बाकी सब बेकार है यार। सही बात है। Boss पर क्या बहुत insightful बात है। Overall I think we are good. We are towards the end. Conversation बहुत मजा आया। बहुत it was actually a lot of fun. I enjoyed. Biswas. Same. Thank you, bhai. Thank you so much for everything. Thank you for leaving, bhai. गाइज कॉमेंट में प्लीज लिखिएगा बाय बाय विश्वास, सी यू सून, ठीक है, एंड वी विल सी यू सून भाई, एब्सोल्युटली, एंजॉय व्हेयर एवर यू आर, एब्सोल्युटली, एंड स्टॉप हियर ओनली, स्टॉप बीइंग इन अ इम्तियाज अली फिल्म, यस, स्टॉप दैट, यस, स्टार्ट लिविंग। और आप यार अगर आपकी किसी से गीले शिकवे या शिकवे जो आप गीले चाहते हो वो हो गए, सूखे प्लीज, सूखे गीले शिकवे प्लीज अपने दोस्तों का क्लियर कर लो। Call them today, a very happy friendships day. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, है ना, कमेंट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ ये लिखिए बाय बाय विश्वास, वी विल मिस यू, एंड अपने दोस्तों को बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस करिए, और कौस्तुभ जैसी हरकतें मत करिए अपनी लाइफ में दोस्तों, ग्रो करिए लाइफ में, एंड इफ यू स्टिल हैवंट सब्सक्राइब टू आवर ब्यूटीफुल चैनल ओके टेस्टर, प्लीज सब्सक्राइब। साले बोल दे, जो लोग बोलेंगे हम नहीं देखेंगे विश्वास के बाद, बोल दे उनको मैसेज, उनको दे सब्सक्राइब एंड कीप लविंग, ओके Tested! Happy Friendship Day, guys! Enjoy! Bye! Bye! अपने दोस्तों को बुला के थोड़ा podcast करो, ऐसे ही जैसे हम कर रहे हैं, यही तो है भाई। चलो भाई अपने जूते beer उठाओ। काम पे चलते हैं यार। मैं जूता बहुत बातें हो गई।